Hello people, welcome to Sleepy Classes. We are back with yet another video for your Back to Basics International Relations class. आज के वीडियो में हम बात करेंगे साउथ एशियन रीजनल ऑर्गेनाइजेशन BIMSTEC के बारे में. सो BIMSTEC की फुल फॉर्म क्या है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन. तो इसमें मल्टी सेक्टोरल इज़ एन इम्पॉर्टेंट वर्ड, क्योंकि जो इसमें कंट्रीज एंगेजमेंट कर रही हैं दैट इज सेक्टर वाइज. एंड BIMSTEC के 7 मेंबर्स हैं, नॉट टू बी कंफ्यूज विद द मेंबर्स ऑफ SAARC. BIMSTEC में बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका एंड थाईलैंड है. तो SAARC में हमारे पास अफगानिस्तान और पाकिस्तान थे एंड मालदीव्स थे. एंड इसमें इन एडिशन टू द अदर वंस विच आर कॉमन, इसमें जो नए मेंबर्स हमारे पास कौन कौन से हैं, म्यांमार है एंड थाईलैंड है माइनस अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड मालदीव्स. तो 7 मेंबर्स हैं हमारे पास. 1997 में बैंकॉक थाईलैंड में इस इनिशिएटिव को स्टार्ट किया गया था विद द नेम BIMSTEC, विच वाज बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड इकोनॉमिक कॉपरेशन. उसके बाद दिसंबर 1997 में ही म्यांमार के एडमिशन के बाद इट बिकेम BIMSTEC. फाइनली 2004 में नेपाल एंड भूटान भी ज्वाइंड. सो अब हमारे पास जो टोटल 7 मेंबर्स हो गए हैं. एंड जो फर्स्ट समिट था BIMSTEC का, विच टुक प्लेस इन 2004, दैट हैपन्ड इन बैंकॉक थाईलैंड अगेन. तो स्टार्ट भी बैंकॉक में हुआ एंड उसके बाद BIMSTEC का पहला जो समिट है वो भी बैंकॉक में हुआ. एंड परमानेंट सेक्रेटेरिएट रिसेंटली ही इसका इस्टेब्लिश हुआ है इन ढाका, बांग्लादेश. तो दोस्तों याद कीजिए जो हमने SAARC का पढ़ा था वो कहाँ पर था. अगर हम अब ऑब्जेक्टिव देखें इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाने का, तो बेसिकली इट एम्स टू काउंटर द ऑनस्लॉट ऑफ ग्लोबलाइजेशन बाय एक्सेप्टिंग रीजनल ग्रोथ. तो एज यू नो कि जो हमारी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारी रीजन है साउथ एशियन रीजन, इट इज़ कंपैरेटिवली पुअरर एंड अंडर डेवलप्ड एज कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, है ना. तो दुनिया के मुकाबले में तो हम काफ़ी ज़्यादा गरीब शुमार देश हैं एंड आबादी बहुत ज़्यादा है हमारे साउथ एशियन रीजन की, बिकॉज इंडिया, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान वी आर वेरी पॉपुलस कंट्रीज, है ना. तो इस वजह से, और तो पाकिस्तान BIMSTEC का मेंबर तो नहीं है लेकिन साउथ एशिया के मेंबर तो है ना. तो इस चीज़ को काउंटर करने के लिए, ग्लोबलाइजेशन का फ़ायदा उठाने के लिए हमने ये जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको डेवलप किया फॉर द रीजनल रिसोर्सेज एंड जियोग्राफिकल एडवांटेजेस. इनकी हम अगर प्रॉपर यूटिलाइज कर पाएँ तो ये हमारा जो बेसिक एजेंडा था फॉर BIMSTEC की इस्टेब्लिशमेंट. एंड जो दूसरी हम ऑर्गेनाइजेशंस देखते हैं तो वो ओवरऑल कुछ सेक्टर वाइज डिफाइन नहीं करती कि हम यहाँ यहाँ एंगेज करेंगे, बट BIMSTEC क्या करता है, BIMSTEC 6 सेक्टर्स में जो है ऑपरेट करता है. उसके बाद इनके 14 एरियाज ऑफ कॉपरेशन है जो हम आगे देखते हैं. तो ओवरऑल अगर हम BIMSTEC की बात करें, 22% वर्ल्ड पॉपुलेशन है BIMSTEC की कंट्रीज में एंड 2.7 trillion जो हमारी ग्लोबल GDP है उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं BIMSTEC कंट्रीज. मोर ओवर यहाँ पर आप जो इन्फोग्राफिक में भी थोड़ा देख सकते हैं, जो 6 सेक्टर्स हैं, ट्रेड, टेक्नोलॉजी, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म एंड फिशरीज. एंड श्रीलंका इज़ द करंट चेयर 2018 ऑनवर्ड्स, जो चेयर श्रीलंका के पास है BIMSTEC की. ठीक है जी, आगे देखते हैं हम. तो 6 जो एरियाज ऑफ कॉपरेशन ऑलरेडी हमने पीछे इन्फोग्राफिक में देख लिए, ट्रेड, टेक्नोलॉजी, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म, फिशरीज. एंड फिर हमारे पास प्रायोरिटी एरियाज हैं जहां पर कॉपरेशन के लिए जिनको रखा हुआ है, 14 प्रायोरिटी एरियाज, जिसमें ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, एनर्जी, टूरिज्म, टेक्नोलॉजी, फिशरीज, एग्रीकल्चर, पब्लिक हेल्थ, पॉवर्टी एलिवेशन, काउंटर टेररिज्म एंड ट्रांसनेशनल क्राइम, एनवायरनमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट एंड कल्चरल कोऑपरेशन. तो ये हमने एक बार पढ़ लिए तो हमें थोड़ा ध्यान में रहेंगे. एंड अगर आप थोड़ा देखें कि जो हमारे 6 मेजर सेक्टर्स थे वो भी इसमें इंक्लूडेड ही हैं प्रायोरिटी एरियाज में. एंड एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है पूरे पैरा के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, तो क्लाइमेट चेंज को भी इन्होंने 2008 में ही अपने प्रायोरिटी एरिया में ऐड कर लिया था. तो दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग. एंड उसके बाद जो मेंबर कंट्री है वो अपना जो एरिया, जो प्रायोरिटी एरिया है उसको चूज करती है. एंड इंडिया कौन कौन से एरियाज में लीड कर रहा है, तो हर कंट्री अपने प्रायोरिटी एरियाज को चूज करेगी जिसमें वो लीड करेगी. सो इंडिया लीड्स इन ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, टूरिज्म, एनवायरनमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट एंड काउंटर टेररिज्म एंड ट्रांसनेशनल क्राइम. तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो क्लाइमेट चेंज के पॉइंट ऑफ व्यू से है, क्लाइमेट चेंज किसका लीड एरिया है, ये है बांग्लादेश का लीड एरिया. So that is all in the context of BIMSTEC. And now before we wind up, let me inform you about the courses that we are running for UPSC 2021.
जनरल स्टडीज़ के लिए प्री प्लस मेन्स बैच यानी हमारा PCM बैच है, जिसमें आंसर इवेल्यूशन एंड विदाउट आंसर इवेल्यूशन का जो ऑप्शन है अवेलेबल है आपके पास, एंड आप इसको इंस्टॉलमेंट्स में भी परचेज कर सकते हैं। ऐसे कोर्स है हमारा फॉर 2021, एंड ऑप्शनल के दो हमारे पास कोर्सेज हैं, पॉलिटिकल साइंस एंड सोशियोलॉजी। उसके बाद इन सभी कोर्सेज की अगर आप कोई कॉम्बिनेशन लेना चाहते हैं, PCM प्लस SA या PCM प्लस ऑप्शनल या PCM SA एंड ऑप्शनल, वो भी आपके पास ऑप्शन है। एंड फाइनली हमारी प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ है, जिसमें आप विद वीडियो सॉल्यूशंस या विदाउट वीडियो सॉल्यूशंस आप परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि इन कोर्सेज को परचेज करे बिना भी आप हमें कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, इफ़ यू लाइक वट वी आर डूइंग द क्वालिटी दैट वी आर प्रोवाइडिंग, तो आप हमें डोनेट भी कर सकते हैं sleepyclasses.com पर जाकर, वहाँ पर डोनेट का बटन है। सो दैट इज़ ऑल फॉर द डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।